एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज साइंस की अगली प्रैक्टिस सेट आपको देने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हमने बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको शामिल किया है। सिर्फ बायो के क्वेश्चंस हैं, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और जितना क्वेश्चन आप कर सकते हो उतना करने के बाद अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना खुद से करेक्ट किया है। जब मैं आपको ऑप्शंस बता रही होती हूँ तभी ही आप आंसर डिसाइड कर लीजिए कि आपका क्या आंसर होगा। उसके बाद जब मैं आंसर बताती हूँ तो उससे मैच करके आप ये काउंट कर लो कि टोटल 20 क्वेश्चंस में आपने कितना करेक्ट किया है, और उसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आयोडीन कॉन्टेनिंग हार्मोन इज, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, किसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। इसके ऑप्शंस हैं थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन एंड टेस्ट्रोजन। आयोडीन आप जानते हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में बचपन से जानते आ रहे हो कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, घेंगा नामक रोग हमें होता है जो कि गले में मतलब सूजन सी हो जाती है। अब तो ये नहीं होता है क्योंकि जितने भी साल्ट आजकल आते हैं सारे आयोडाइज्ड साल्ट होते हैं। तो आयोडीन जो हार्मोन, मतलब आयोडीन कॉन्टेनिंग जो हार्मोन होता है उसे हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इंसुलिन आप जानते हो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है क्योंकि इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, याद रखिएगा, ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। एड्रेनालिन को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, जो कि हमारा जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर में जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उससे प्रोड्यूस होता है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, याद रखिएगा। टेस्ट्रोजन जो है वो एक तरह का मतलब वैसा हार्मोन होता है जो फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब फीमेल में जो फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं उनको उनको प्रमोट करता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है थायरोक्सिन। इसके अलावा इन सब हार्मोन्स के बारे में भी ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या है। आप जानते हो कि थायरोक्सिन एक हार्मोन है और ये हार्मोन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड से प्रोड्यूस किया जाता है, थायरॉयड ग्लैंड से, ये सब भी याद रखिएगा इसके साथ कि थायरोक्सिन थायरॉयड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और इसकी कमी से घेंघा नामक रोग होती है और इसके ज़्यादा होने से हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाती है, वो भी खतरनाक होता है, मतलब इसका एक्सेस अमाउंट में रिलीज भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि थायरोक्सिन है क्या। अगर यहाँ पे ऑप्शन में हार्मोन होता तो आपके लिए आसान होता, लेकिन ये किस तरह का हार्मोन है। इसके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एस्टर एंड पेप्टाइड्स। जितने भी हार्मोन्स होते हैं बेसिकली वो पेप्टाइड्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ये थायरोक्सिन जो है वो एक तरह का अमीनो एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ये एक तरह का अमीनो एसिड है। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड से थायरोक्सिन का सिक्रेशन ऐसे नहीं होता है, उसको उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करना होता है, मतलब उसको संदेश देना होता है कि अब थायरोक्सिन की कमी हो रही है बॉडी में तो आपको थायरोक्सिन रिलीज करना है। तो इसको कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है। इसके ऑप्शंस हैं TSH, FSH, LTH एंड ACTH। सबसे पहली बात कि आपको इन सब के फुल फॉर्म्स आने चाहिए। जैसे TSH है, इसको बोलते हैं थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन LTH, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड ACTH, इसका फुल फॉर्म होता है एडीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन।
तो ये सारे आपके अलग अलग हॉर्मोन्स हैं, और जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उसे हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, और ये सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। आप जानते हो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉडी में मास्टर ग्लैंड हम किसे कहते हैं, तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज होता है। इसके साथ साथ वो अदर ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। एक पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आज जो भी मैं बता रही हूँ आपको वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उन्हें आप जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं इसके साथ बता रही हूँ उसे आप नोट करते चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। जैसे कि मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि फीमेल कैरेक्टर को प्रमोट करता है। अब पूछा जा रहा है कि ये कहाँ बनता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में। इसके ऑप्शंस हैं एग, फॉलिकल्स, कॉर्पस लूटियम एंड यूट्रस। फीमेल में होता है इसीलिए इसके जो ऑप्शंस हैं वो सारे फीमेल पार्ट्स के हैं, जैसे कि एग आप जानते हो, फॉलिकल्स जो मतलब ओवम का जो प्रोडक्शन होता है वो फॉलिकुलर फेज में होता है, और फॉलिकल्स का पहले फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फॉलिकल मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, और उस ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का प्रोडक्शन होता है या रिलीज होता है। और जब ओवम प्रोड्यूस हो जाता है तो यही फॉलिकल जो है वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सारी चीज़ें, और ओवम को हम मतलब एग को ओवम भी कहते हैं, और ये जो भी चीज़ें हो रही होती हैं ये सारा का सारा आपके यूट्रस में हो रहा होता है। मतलब ये चेंजेस तो आती हैं लेकिन ये आपका ओवरी में एक्चुअली ओवेरियन फॉलिकल्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है ओवरी में, और ये ओवरी जो है यूट्रस से कनेक्टेड होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लिंक करके अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो एस्ट्रोजन जो है वो एक्चुअली जो भी फॉलिकल्स होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कभी भी पूछा जाए कि एस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है तो वो फॉलिकल्स से प्रोड्यूस होता है। अगर फॉलिकल ना हो तो आप ओवरी भी लगा सकते हो, अगर ओवरी कहीं पर ऑप्शन में हो तो। अगला क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज। फल किसके कारण मीठा होता है, मतलब फलों का टेस्ट जो है वो मीठा होता है ये किसकी वजह से होता है। इसके ऑप्शंस है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। आप जानते हो कि जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन स्वीट टेस्ट किसकी वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसकी प्रेजेंस की वजह से, फ्रुक्टोज की प्रेजेंस की वजह से ही स्वीट टेस्ट होता है। माल्टोज आप जानते हो ये भी एक तरह का मतलब डाइसेक्राइड होता है, जिसमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मतलब ये ग्लूकोज से मिलके बना होता है, मोनोमर इसका होता है। राइबोज आप जानते हो, राइबोज शुगर DNA और RNA में प्रेजेंट होता है। डिऑक्सी राइबोज शुगर DNA में प्रेजेंट होता है एंड सिंपली राइबोज शुगर RNA में प्रेजेंट होता है। तो ये DNA और RNA में प्रेजेंट होने वाला शुगर होता है, और लैक्टोज अब मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा, मिल्क में जनरली लैक्टोज होता है, और ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। लैक्टोज में होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब आदमी के शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है। इसके ऑप्शंस है लीवर, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड एंड स्टमक। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड अगर कोई होता है तो वो होता है लीवर, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और इसका वेट जो है वो 1.5 kg के बराबर होता है, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अगला क्वेश्चन है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्ट ऑफ बॉडी। बाइल मतलब बॉडी में कहाँ बनता है, कहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है। इसके ऑप्शंस हैं लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लडर एंड पैनक्रियाज।
तो बाइल का जो प्रोडक्शन है यहाँ पे, क्योंकि लीवर भी दिया हुआ है और गॉल ब्लडर भी दिया हुआ है, आप जानते हो कि लीवर में ही गॉल ब्लडर प्रेजेंट होता है, लेकिन लीवर में और भी अदर पार्ट्स होते हैं और वहाँ पे बाइल का प्रोडक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे ज़्यादा गलती ऐसे ही क्वेश्चंस में होता है, हम जनरली गॉल ब्लडर डाल देते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं बताती हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। बाइल इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन, कौन से ऑर्गेन में बाइल स्टोर होता है? इसके ऑप्शंस हैं स्प्लीन, पैनक्रियाज, अपेंडिक्स एंड गॉल ब्लडर। तो आप ऑप्शन से ही क्लियर है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि बाइल जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो इन दोनों क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि बाइल का जो प्रोडक्शन होता है वो लीवर में इसके अलग पार्ट में होता है, लेकिन इसका जो स्टोरेज होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन लीवर में एंड स्टोरेज गॉल ब्लैडर में। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और हम रॉन्ग करके आते हैं हमेशा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि बाइल का प्रोडक्शन लीवर में एंड स्टोरेज जो है वो गॉल ब्लैडर में होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, आदमी के शरीर में सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होता है? इसके ऑप्शंस हैं एड्रिनल, थायराइड, पैनक्रियाज एंड पिट्यूटरी। ये चार ऑप्शंस हैं आपके और पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होता है। ग्लैंड एड्रिनल से आपका एड्रिनालीन एंड नॉर एड्रिनालीन प्रोड्यूस होता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होता है और थायरोक्सिन के बारे में ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। पैनक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्फा सेल्स और दूसरे को बोलते हैं बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकागॉन, एंड बीटा सेल्स से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। आप जानते हो इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए, और अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। शुगर से मतलब होता है ग्लूकोज। तो सबसे छोटा ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये आपका मास्टर ग्लैंड कहलाता है, लेकिन ये सबसे छोटा होता है, जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है ब्रेन में, और यहाँ से 6 हार्मोन रिलीज होती हैं। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं, तो उन दोनों लोब्स को मिला के 6 हार्मोन रिलीज होते हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं लीवर, स्वीट ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड किडनी। लीवर में बहुत सारे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं और इनसे बाइल का सिक्रेशन होता है और वो डक्ट्स के थ्रू होता है। स्वीट ग्लैंड्स भी डक्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, और बिना डक्ट्स के ये स्वेट, मतलब जो स्वेटिंग होती है वो पॉसिबल नहीं है। किडनी में तो डक्ट्स ही डक्ट्स होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स कहने का मतलब होता है कि वेन्स या फिर आर्टरीज टाइप का स्ट्रक्चर, जिससे होकर इनका जो भी सिक्रेशंस होता है वो फ्लो होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ ऐसा होता है जिसमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो भी सिक्रेशंस होती हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में होती हैं, इनके लिए किसी भी तरह के डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, और जितने भी हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की थ्रू ही होते हैं। ग्लैंड भी दो तरह के होते हैं हमारी बॉडी में, एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो भी ग्लैंड अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में देता है, जिसे डक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपका हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अगला है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ह्यूमन बॉडी,
कौन सा हार्मोन ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को ह्यूमन बॉडी में रेगुलेट करने का काम करता है? इसके ऑप्शंस हैं ग्लूकागॉन, जीएच का मतलब है फुल फॉर्म ग्रोथ हार्मोन, जीएच को सिंपली ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, पीटीएच एंड थायरोक्सिन। पीटीएच का मतलब होता है पारा थायरॉयड हार्मोन, और ये रिलीज होता है पारा थायरॉयड ग्लैंड से, जो कि थायरोक्सिन मतलब थायरॉयड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है, और ये पारा थायरॉयड इसे कहते हैं। और ये पीटीएच ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मतलब बैलेंस करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, और फुल फॉर्म याद रखिएगा पारा थायरॉयड हार्मोन, इसको पाराथ हार्मोन भी सिंपली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड? मैमरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज करने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके ऑप्शंस हैं एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन। जनरली हम एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन को समझते हैं कि ये फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है, और यही सारे मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर ऐसा नहीं है। एड्रेनालिन मेल एंड फीमेल दोनों में ही प्रोड्यूस होता है, थायरोक्सिन भी मेल एंड फीमेल में प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरोन भी मेल एंड फीमेल दोनों में ही प्रोड्यूस होता है। मेल में ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होता है और फीमेल में लार्ज अमाउंट में होता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है वो सिर्फ फीमेल में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन होता है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ फीमेल में प्रोड्यूस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम मैमरी ग्लैंड, क्योंकि ये प्रेशर एग्जर्ट करने का काम करता है, और ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, और चाइल्ड बर्थ के लिए भी ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका अगर पूछ दे कि चाइल्ड बर्थ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन ही होगा। काफ़ी लार्ज अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब चाइल्ड बर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर? बॉडी का मतलब आदमी के शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है? अगर यहाँ पे पूछा जाता कि कौन सा ग्लैंड है, ग्लैंड और बॉडी पार्ट दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बॉडी पार्ट और ग्लैंड, बॉडी पार्ट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर ग्लैंड के बारे में पूछता तो मैं आपको बता दूँ हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, जो कि थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, और ये ही बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। इसके ऑप्शंस हैं हर्ट, लंग्स, लीवर एंड किडनी। हार्ट सिर्फ पंपिंग का काम करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता है, इसको हम पंपिंग मशीन कहते हैं हमारी बॉडी में। लंग्स जानते हो आप कि प्यूरीफाई करने का काम करता है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। लीवर आप जानते हो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बाइल सिक्रेशन के लिए, और ये खाना पचाने के लिए काम करता है। इसके अलावा जो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, या यूँ कह लो कि जो यूरिन का प्रोडक्शन होता है, वो भी लीवर में ही होता है। और किडनी का काम होता है प्यूरिफिकेशन का, किडनी प्यूरिफाई करता है आपके ब्लड को। तो हार्ट पंप का काम करता है, किडनी प्यूरिफाई करने का काम करता है, लीवर प्रोड्यूस करने का काम करता है, आपकी बॉडी में जो भी अमोनिया वगैरह होता है उसको अलग करता है, और अदर जो भी यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं उनको आपकी बॉडी में लाता है, जिससे आपका पाचन जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। लंग्स आप जानते हो प्यूरिफिकेशन का काम करता है ब्लड को,
ये भी ऑक्सीजनेटेड टू डी ऑक्सीजनेटेड, ये अमोनिया से प्योरीफाई करता है और ये ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करने का काम करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इससे लंग में आप जानते हो कि जो भी एयर होती हैं वो अंदर जाती हैं और फिर CO2 यहाँ से बाहर आता है, मतलब ऑक्सीजन जब आपकी बॉडी में जाता है और CO2 बाहर आता है, आप जानते हो CO2 जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का काम करता है, तो उस CO2 को शरीर से बाहर करके ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पारासाइट ऑफ दी फॉलोइंग, इसमें से परजीवी कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं पीचर प्लांट, कुस्कुटा, ब्लैडर वर्ट एंड सनफ्लावर। पीचर प्लांट आप जानते हो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट इसको कहते हैं। ब्लैडर वर्ट भी आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ये इंसेक्ट्स को खाने का काम करता है, और ब्लैडर वर्ट एंड पीचर प्लांट ये दोनों ही इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। सनफ्लावर आप जानते हो काफ़ी यूजफुल होता है और इससे इसके सीड से काफ़ी ज़्यादा ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। कोस्कोटा को हम पारासाइटिक प्लांट कहते हैं और एक ये रूट पारासाइट होता है। बहुत सारे स्टेम पारासाइट भी होते हैं, लीफ पारासाइट होते हैं, लेकिन कोस्कोटा जो है वो रूट पैरासाइट है। तो ये रूट पैरासाइटिक प्लांट है एक तरह का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द ऑर्गेन अफेक्टेड बाय मलेरिया इज, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसके ऑप्शंस है हार्ट, लंग्स, किडनी एंड स्प्लीन। आप जानते हो कि मलेरिया एक तरह का प्रोटोजोअन डिजीज होता है, याद रखिएगा प्रोटोजोअन डिजीज़, और ये मतलब प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम की वजह से अलग अलग तरह के मलेरिया होते हैं। आप जानते हो मलेरिया जो है वो 3 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं क्वार्टरनरी मलेरिया, टर्सरी मलेरिया और मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया का कोई इलाज नहीं होता है और ये अलग अलग प्लाज्मोडियम की वजह से होते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम वीवेक्स की वजह से क्वार्टरनरी मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम मैलेई की वजह से टर्सरी मलेरिया होता है, एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, और मैलिग्नेंट मलेरिया का कोई इलाज नहीं है। तो इसमें कौन सा अंग अफेक्टेड होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। स्प्लीन जो है वो अफेक्टेड होता है। स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC इसको कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि RBC जब डिस्ट्रॉय होता है तो वो स्प्लीन में स्टोर होता है, और इसीलिए मलेरिया में स्प्लीन अफेक्टेड होता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम हमारे RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब भी RBC का डिस्ट्रक्शन होता है तो उस वक्त हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो मलेरिया में हाई फीवर होने का रीज़न होता है हमारे RBC का डिस्ट्रक्शन, और RBC डिस्ट्रॉय होके स्प्लीन में स्टोर होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो ऑर्गेन अफेक्टेड होता है मलेरिया में वो सबसे ज्यादा स्प्लीन होता है। अगला क्वेश्चन है कैरियर ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम का कैरियर क्या होता है, कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं टिक, मॉस्किटो, फ्लाई एंड सॉरी लाइस होगा, लाइस, फ्लाई, टिक एंड मॉस्किटो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है इसको कैरी करने का काम करता है, इसका कैरियर होता है, और प्लाज्मोडियम जो है इस मॉस्किटो के सैलीवा में प्रेजेंट होता है। सैलीवा में प्रेजेंट होता है, जब भी वो बाइट करता है तो उसके सैलीवा के थ्रू ही हमारे ब्लड में आ जाता है और फिर हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज करता है। अगला क्वेश्चन है विच ह्यूमन ऑर्गेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ह्यूमन मतलब कौन सा अंग रिस्पॉन्सिबल होता है एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। इसके ऑप्शंस हैं लीवर, लंग, हार्ट एंड किडनी।
अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है वो लीवर का होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कोई इंसान लेता है तो उस केस में वो मतलब लीवर सिरोसिस हो जाती है, क्योंकि डिटॉक्सिफाई करते करते लीवर जो है हमारा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल में लीवर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, और यही लीवर डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाई। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड फोबिया का मतलब होता है डरना, तो वाटर से डरने को मतलब ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रोफोबिया किस चीज़ से अफेक्टेड होता है। इसके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। सिंपली हम सोचते हैं कि हाइड्रोफोबिया एक मेंटल डिजीज़ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेंटल डिजीज़ नहीं है, ये एक वायरल डिजीज़ है, और इसका करेक्ट आंसर होगा सी। हाइड्रोफोबिया जो है वो वायरस की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। कौन सा हार्मोन किडनी से कितना यूरिन रिलीज होगा इस क्वांटिटी को मैनेज करता है। इसके ऑप्शंस हैं TSH, ACTH, FSH एंड ADH। TSH आप जानते हो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एंड ADH एडनोसिन हार्मोन होता है, और ये ADH ही रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिन के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ADH। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, और एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछा जाता है, इसके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कहीं पे वर्ड्स में दिया हुआ हो, मतलब फुल फॉर्म इसका दिया हुआ हो, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, द हेरिटेबल डिजीज़ इज़, वंशानुगत बीमारी कौन सी है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो पेरेंट टू चिल्ड्रन ट्रांसफ़र होती है। इसके ऑप्शंस हैं हीमोफीलिया, जॉन्डिस, कैंसर एंड पेचिस। जॉन्डिस लीवर के इन्फेक्शन की वजह से होता है, और इसमें बाइल का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगता है, और इसीलिए आपका बॉडी जो है वो येल्लो हो जाता है, क्योंकि जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डीन होती है, एक्चुअली बिलीवर्डीन जो सिक्रीट होता है बाइल जूस से, वो कलर प्रोवाइड करता है। कैंसर आप जानते हो ये वंशानुगत डिजीज़ नहीं है, पेचिस भी नहीं होता है, जॉन्डिस भी नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हीमोफीलिया। ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ होती है, और इसको मेंडेलियन डिजॉर्डर भी कहा जाता है। तो ये अभी तक आपके 20 क्वेश्चंस थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं ये सारे, और इस ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन्हें सबको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप मतलब जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, और किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको आंसर करेंगे। अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना किया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जब भी हम कोई नया वीडियो लाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।